आई लॉस्ट लॉट ऑफ गोल्ड एक्चुअली, तभी उन लोगों ने वो वाला गोल्ड चोरी हो गया। आज बन रहा है चिकन और मैं अभी सूप बना रही हूँ, और चिकन में जाएगा कर्ड, हल्दी, टर्मरिक और मसाले सारे। ये बन गया मेरा धनिया पाउडर। फ्रेश फ्रेश जो स्मेल आती है ना, वो बाहर के धनिया पाउडर में नहीं आती है। मैं जब भी गरम मसाला बनाती हूँ ना, वो हमेशा फ्रिज में डाल के रख देती हूँ। ये होममेड गरम मसाला है जो मैंने बना के रख दिया था। नॉन वेज में मैं यूज करती हूँ, और ये जाएगा इसके अंदर, चिकन के अंदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक्चुअली हम लोग ने प्लान किया था हैना के बर्थडे से पहले, दैट वी विल गो एंड बाय फॉर हर सम गोल्ड बैंगल्स। एक्चुअली प्लान हमारा था कि हम लोग बच्चों को भी लेके जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे। वैसे हम लोग आए थे आफ्टरनून में, और दिया विथ हिज मामो, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ही यहाँ पे आते हैं, ज्वेलरी शॉपिंग करते हैं। बहुत जगह हम लोगों ने ट्राई किया, जैसे कि जोया लुकास एंड इन गोल्ड सिटी में, और नॉर्मल जो ज्वेलर्स होते हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कहीं पर भी जिस तरह की मैं बैंगल्स ढूंढ रही थी वहां पे नहीं मिले थे। फ्यू प्लेसेस आई गॉट, और वहां से बहुत लेस मुझे ऐसे पीसेस मिले जो कि फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बाय करूंगी। और वो एडजस्टेबल मुझे बैंगल्स चाहिए थे हैना के लिए बिफोर हर बर्थडे, तो एक जगह पर हम लोगों को मिल गया, वहां से हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया था, लेकिन वो मैं शूट कर नहीं पाई क्योंकि हम लोग इतना बिजी थे यहाँ वहां घूमने में कि याद ही नहीं रहा कि वी आर डूइंग अ व्लॉग। एनीवेज, उसके बाद अभी हम लोग आए हैं एक और जगह पर। एक्चुअली प्लान था हैना के लिए गोल्ड लेने का, लेकिन सडनली प्लान बन गया मेरे लिए भी गोल्ड लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो चेन है वो मुझे नई खरीदनी थी, तो वी हम वी थॉट लाइक व्हाई नॉट टुडे। तो यहाँ पर वही हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शंस थे। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि कौन सी वाली चेन लेनी है, उसी ऊपर लॉकेट लेना है एंड ऑल दैट स्टफ देख रहे हैं। एंड फाइनली वी बॉट वन, एंड दैट वॉज द अमेजिंग वन मुझे लगा। गुड मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बन रहा है पराठा, और इसमें जाएगा बीटरूट, स्पिनच, थोड़ा सा गार्लिक, जीरा और आटा। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बज रहे हैं 8:30, 8:25 हो रहे हैं, एंड हेतम की एक क्लास खत्म हो गई है, इट्स इट्स ओवर देयर। तो वहां से उठ के रेस्टिंग फॉर सम 5-10 मिनट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया है, एंड अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। Today is monthly test. तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि टाइम को निकालना, एंड ही इज वेरी बिजी, बिजी देन अस एक्चुअली। हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इसके पास, और हम लोगों को चेक करना पड़ता है इसके पास कितना टाइम है, कभी टाइम है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान। एनीवेज, कल हम लोग गए थे गोल्ड शॉपिंग करने के लिए, बहुत सारी गोल्ड शॉपिंग की। एक्चुअली गए थे हम लोग लाने के लिए हैना की ईयर रिंग, क्योंकि बर्थडे नजदीक आ रहा है, और लास्ट टाइम हम लोगों ने ईयर पियर्स किया था उसका, तभी उन लोगों ने वो वाला ईयर रिंग यूज किया था, क्या बोलते हैं उसको, स्टरलाइज ईयर रिंग होता है, वो होता है ईयर रिंग होता है जो कि कान में डाला जाता है बच्चों को फर्स्ट टाइम पियर्स करने के। मुझे पता नहीं था, आई नेवर न्यू, पहले तो वो वाले ईयर रिंग्स डाला करते थे जो कि ऐसे पियर्स करो हाथ से, अभी तो वो शॉट गन शॉट देते हैं विच आई हैड अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इट वॉज गुड। मेरे जो कान के होल है ना, बहुत बारीक है। एनीवेज, तो वो लाने के लिए गए थे, लेकिन हमारा ये प्लान था उसके बर्थडे से पहले हम लोगों को लाना था उसके लिए गोल्ड बैंगल्स। तो बहुत ढूंढा बहुत सारे शॉप्स, ईयर रिंग ऑलरेडी वी हैड ऑलरेडी ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर किया था हम लोगों ने, लेकिन बैंगल्स लाने थे, और इतने छोटे हाथों के लिए बैंगल्स, बहुत सारे डिज़ाइंस तो नहीं थे, लेकिन मुझे वो एडजस्टेबल वाले बैंगल्स चाहिए थे उसके लिए, तो वो मैंने खरीदे कल। हम लोगों ने दो खरीदे हैं, वो ऑलरेडी इनसाइड इट इज़। उसके साथ मुझे वेरी बैडली आई वॉन्टेड टू बाई अ गोल्ड चेन विथ सम लॉकेट,
तो वो लाने के लिए वो इसका भी एक कहानी है, इसलिए क्योंकि इतने दिनों से मेरी जो नेक है ना वो एम्प्टी लगेगी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे छोटे वाले गोल्ड ये है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर नहीं लाया है, सारे इंडिया में ही है क्योंकि हार्डली मैं हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसीलिए। तो वो जो मैंने लाए भी थे वो मेरे चोरी हो गए, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 गोल्ड चेन्स मेरे चोरी हो गए एंड आई लॉस्ट लॉट ऑफ गोल्ड एक्चुअली। तो इसीलिए गोल्ड नहीं था मेरे, और शिफ्टिंग के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर करके, तो इसीलिए मुझे एक गोल्ड चेन बाय करनी थी जो कि मैंने कल बाय की एंड बहुत डिफ़िकल्टी से, एंड मुझे ये वाला गोल्ड जो लॉकेट होता है ना वो बहुत पसंद आया तो मैंने लिया। गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा था बट स्टिल आई वॉन्टेड टू बाय, सो हम लोगों ने बाय कर लिया ये भी एक लाइक दिस मच। ये तो गोल्ड चेन जो था वो इतना बड़ा था एंड आई डोंट लाइक सच अ बिग वन, आई ऑलवेज लाइक द स्मॉलर वन, तो मैंने ये लिया है। उसके साथ है ये वाला ये, और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे, ये हैंडमेड है, मुझे ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट आई लाइक द हैंडमेड वन, तो ये वाला लाया और ये वाला लाया। जो हैना के बैंगल्स हैं वो मैं दिखाऊंगी उसके बर्थडे के टाइम पर, क्योंकि बर्थडे के टाइम पर ही उसको पहनाएंगे हम लोग इयर रिंग्स वगैरह। बर्थडे इज जस्ट 2 डेज अवे, 2 डेज अवे, सो तभी पहनाएंगे। तो वो वाले जो मैंने कवर के अंदर रख दिया है अभी, तो ये था हमारा गोल्ड वाला शॉपिंग। एंड चलिए गाइज इस व्लॉग को भी हम लोग एंड करते हैं और किचन में जाएंगे और पराठास जो मैंने बनाने के लिए रखा था उसको कंटिन्यू करेंगे। एनीवेज गाइज इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगले वाले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।